हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्रीनगर से शारजाह की फ्लाइट पर भड़का पाकिस्तान, अपने एयर स्पेस से उड़ान पर लगा दी है रोक। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको पूरी बात क्या है। लेकिन दोस्तों इसी से जुड़ी जो अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पर श्रीनगर और शारजाह फ्लाइट विवाद के बाद भी, विवाद के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल। बताएंगे बड़ी खबर आपको, साथ ही आगे बताएंगे इस दिवाली के मौके पर जहां पर भारत को दुनिया की सबसे एडवांस S-500, जी हां दोस्तों S-400 नहीं S-500 मिसाइल सिस्टम बेचने को तैयार है रूस। जी हां दोस्तों, बड़ी जानकारी देंगे इसकी भी आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर अभिनंदन वर्धमान, जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने के बाद पाकिस्तान से भारत लौटे थे, दोस्तों उनके लिए बड़ी खबर आ रही है। बताएंगे इस दिवाली बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है दोस्तों अभिनंदन को, बताएंगे क्या है इनसे जुड़ी खबर। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार ने दिया है दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट अपने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए। दोस्तों हर तरह की आज आपको जानकारी बताने वाले दोस्तों, तो फटाफट से बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। साथ ही मोदी जी हां तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां श्रीनगर से शारजाह की फ्लाइट पर भड़का पाकिस्तान, अपने एयर स्पेस से उड़ान पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर सामने आई है। श्रीनगर से शारजाह के बीच शुरू हुई फ्लाइट को लेकर पाकिस्तान भड़क गया है दोस्तों। इसके बाद उसने अपने एयर स्पेस से इस फ्लाइट के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान ने मंगलवार को श्रीनगर के शारजाह जा रही फ्लाइट को अपना एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया, जिसके बाद फ्लाइट को घूमकर शारजाह जाना पड़ गया। माना जा रहा है कि कश्मीर से फ्लाइट होने की वजह से पाकिस्तान भड़का हुआ है। उसने इससे पहले भी कश्मीर से उड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ान को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोक दिया था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से स्पेस का इस्तेमाल ना करने देने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, 2009 से 2010 में भी श्रीनगर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ पाकिस्तान ने ऐसा ही किया था। मुझे उम्मीद थी कि गो फर्स्ट एयर के विमान को एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी देना रिश्तों में सुधार के संकेत थे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होना था। जी हाँ दोस्तों, आप उमर अब्दुल का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही अगली, जहां पर श्रीनगर शारजाह फ्लाइट विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के बाद आज ही यानी कल के दिन नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बोइंग 777 विमान ने इटली और स्कॉटलैंड जाने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र की यात्रा की थी। इटली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो वहीं स्कॉटलैंड में उन्होंने COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों पीएम मोदी जी ने वापस लौटते समय बहावलपुर में प्रवेश करने के बाद तुर्बत और पंजगुर की यात्रा की, और इसके बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बोइंग 777 विमान ने लैंडिंग की। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने पुष्टि भी की थी कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दे दी थी। जी हां दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान अब बिल्कुल नहीं चाहता कि श्रीनगर से दुबई के लिए फ्लाइट जाए। ऐसे में दोस्तों उनके बौखलाहट को आप किस नजरिए से समझते हैं बताइएगा जरूर, क्योंकि इमरान खान हमेशा भारत के साथ दोस्ती की बात करता है दोस्तों, शांति की बात करता है, लेकिन यहाँ पर यात्री फ्लाइट्स को अनुमति नहीं दी गई है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या सुझाव देना चाहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर कमेंट करके। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत को दुनिया की सबसे एडवांस S-500 मिसाइल सिस्टम बेचने को तैयार है रूस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे एडवांस S-500
500 मिसाइल सिस्टम को भारत और चीन को बेच सकता है रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन यानी FSMTC का डायरेक्टर दमित्री शुगेव ने कहा है कि रूसी सशस्त्र बलों के पास इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की पर्याप्त उपलब्धता हो जाने पर इसे अन्य देशों को निर्यात किया जा सकता है। S-500 मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये न केवल स्टील्थ टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक को मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों भारत इसी मिसाइल सिस्टम की पिछली पीढ़ी के हथियार S-400 को रूस से खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि S-500 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप जल्द ही रूसी सेना को सौंपने वाली है। दोस्तों RBC न्यूज से अगर बात करते हुए शुगेव ने कहा है कि हम भारत और चीन समेत उन सभी देशों के बारे में विचार कर रहे हैं जिसने हमारे पुराने और पारस्परिक संबंध है। ये सभी देश भविष्य में S-500 मिसाइल सिस्टम के मालिक हो सकते हैं। S-500 मिसाइल सिस्टम को रूसी हथियार कंपनी अलमाज एनेटिक कॉर्पोरेशन ने बनाया है। दोस्तों ऐसे में S-500 भी भारत को बेचा जा सकता है रूस द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने वाले अभिनंदन वर्धमान का प्रमोशन हो गया है। दोस्तों बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट अभिनंदन को मिला है। बता दे IF में मिली है ये जिम्मेदारी। आपको बता दे दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का प्रमोशन हो गया है। उन्हें अब ग्रुप कैप्टन बनाया गया है। पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 के साथ डॉग फाइट करने वाले अभिनंदन को शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है। अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अमेरिकी F-16 को मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सूत्रों ने बताया था कि एयरफोर्स के बहादुर अधिकारी का प्रमोशन हो गया है और वो अब ग्रुप कैप्टन होंगे। उन्हें जल्द ही नई रैंक सौंप दी जाएगी। ग्रुप कैप्टन भारतीय थल सेना के कर्नल रैंक के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में की गई आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक के बाद उपजे तनाव के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। और भारतीय विंग कमांडर के इसके बाद का सारा प्रतिक्रिया आपको पता ही होगा। दोस्तों भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने किस प्रकार से पाकिस्तान के F-16 विमान को गिरा दिया था, उसके बाद उनका विमान क्षतिग्रस्त होकर के पाकिस्तान में गिर गया था। दोस्तों ऐसे में यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उनको आप भी अभिनंदन जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों ग्रुप कैप्टन के लिए प्रमोट होने को लेकर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों संग दिवाली मना सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं। वो राजौरी जिले के नौशहरा में नियंत्रण रेखा पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। PM मोदी ऐसे समय पर यहाँ पहुँच रहे हैं जब पुंछ में नार खास के जंगल में लंबे समय से चल रहे मुठभेड़ में अक्टूबर के 4 दिनों में ही 2 JCO सहित 9 सैनिक शहीद हो गए। PM मोदी के संभावित दौरे से पहले थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे बुधवार को यहाँ पहुँच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों ने सूत्रों से बताया है कि PM नरेंद्र मोदी जी राजौरी जिले में नौशहरा ब्रिगेड में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। इसी के साथ 2019 के बाद PM मोदी दूसरी बार राजौरी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। और जिस प्रकार से दोस्तों मोदी जी सभी भारतीय जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यही होना चाहिए एक देश के सुप्रीम लीडर का कर्तव्य भी, तो आप भी मोदी जी के बारे में 2 बातें जरूर कहना मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं खबर की तरफ, लेकिन जिन भाइयों ने बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारी मेहनत को सफल करने के लिए 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां काबुल हमले में तालिबान का टॉप कमांडर मारा गया है, IS ने ली है इसकी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के मिलिट्री हॉस्पिटल में मंगलवार को ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में तालिबान का एक टॉप कमांडर भी मारा गया, ये जानकारी तालिबान के अधिकारियों ने दी है। हमदुल्ला मुखलिस हक्कानी नेटवर्क का ये सदस्य था, ये काबुल मिलिट्री कॉर्प्स का अफसर भी था। हमदुल्ला तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद से मारा जाने वाला सबसे वरिष्ठ अफसर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि काबुल में ये मंगलवार को अस्पताल में ब्लास्ट हुआ था। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडेन ने कहा चीनी राष्ट्रपति ने G20 और COP26 में शामिल ना होकर एक सबसे बड़ी गलती की है। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच
बीच इन दिनों मानो कई मुद्दों को लेकर शीत युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूकते और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति की आलोचना करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग ने G20 COP26 में शामिल ना होकर एक बहुत बड़ी गलती की है। जो बाइडेन ने रूस और चीन के G20 COP26 में शामिल ना होने पर कहा कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। दुनिया चीन की ओर देखेगी और कहेगी कि उन्होंने क्या मूल्य वर्धित किया। उन्होंने यहाँ COP में दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता खो दी है। उसी तरह मैं रूस के संबंध में तर्क दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर जम्मू कश्मीर से खबर, LOC के पास बारूदी सुरंग फटने से बड़ा धमाका हुआ है दोस्तों, जिसमें हमारे एक जवान भी घायल हो गए हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में LOC बंदी चेचियन के पास बुधवार को बारूदी सुरंग में धमाका हुआ है। इस धमाके में सेना का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है दोस्तों। इससे पहले LOC पर नौशहरा सेक्टर के कलाल क्षेत्र में 30 अक्टूबर की शाम बारूदी सुरंग फटने से सेना के एक लेफ्टिनेंट समेत 2 जवान शहीद हो गए। सेना की पेट्रोलिंग टीम इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी यह विस्फोट हुआ। विस्फोट में घायल दोनों जवानों को गंभीर अवस्था में सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के अनुसार सेना की पेट्रोलिंग टीम इलाके में गश्त कर रही थी और इसी दौरान वो ये जांच कर रही थी कि सीमा पार से घुसपैठ तो नहीं हुई है। और इसी बीच अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट स्तर के अधिकारी समेत 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और विस्फोट की आवाज दूर तक सुनी गई थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर कट्टरपंथियों के आगे झुकी इमरान खान की सरकार, PLP के 860 एक्टिविस्ट जेल से छोड़े जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जारी हिंसा अब थम सकती है। वहाँ कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP और इमरान सरकार के बीच एक सीक्रेट डील होने की बात सामने आ रही है दोस्तों। इसके तहत मंगलवार को TLP के करीब 860 कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया है। इससे पहले इमरान सरकार और TLP के बीच हुई बातचीत नाकाम हो गई थी दोस्तों। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह विभाग ने एक आदेश जारी करके बताया है कि TLP के करीब 860 कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया है। इन्हें हिरासत में रखा गया था, इनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर नया फरमान अफगानिस्तान में तालिबानियों ने जारी कर दिया है। बता दें, अफगानिस्तान में विदेशी करेंसी पर लगेगी अब रोक। घरेलू लेन देन के लिए अफगानी मुद्रा का ही करना होगा प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, तालिबान शासन के बाद से अफगानिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ के बैंक नकदी की कमी से जूझ रहा है। अफगानी मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हो रहा है। लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, वे भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे में तालिबानी सरकार ने एक और ऐसा फैसला सुनाया है जिसने अफगान के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल तालिबान ने आदेश दिया है कि अफगान नागरिक देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अफगान मुद्रा का ही प्रयोग किसी भी लेन देन के लिए करेंगे। इस आदेश के बाद से देश के अंदर एक और नया आर्थिक संकट खड़े होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर एक एक निवाले के लिए तरस रहा है किम जोंग उन का उत्तर कोरिया। UNSC पहुंचे, इसको लेकर चीन और रूस। जी हाँ, हथियार बनाने की सनक के चलते सन की तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की आर्थिक हालात को धूल में मिला दिया है और अब स्थिति यह है कि उत्तर कोरिया में भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं। पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया में हजारों लोगों की मौत भूख की वजह से हो सकती है और अब रूस और चीन ने उत्तर कोरिया की मदद करने के लिए अपील यूनाइटेड नेशंस से की है। जी हाँ दोस्तों, चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया के खिलाफ समुद्री भोजन और वस्त्रों के निर्यात के साथ साथ रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर दी है। इसके साथ ही चीन और रूस ने UNSC से भी मांग की है कि विदेश में रहने वाले उत्तर कोरियाई लोगों को अपने घर पैसे भेजने की इजाजत दे दी जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना के चाल को दोस्तों आप किस नजरिए से देखते हैं बताना मत भूलिएगा। सबसे पहले चाइना उत्तर कोरिया की मदद करने की सोच रहा है दोस्तों। उसको लगता है, उसको पता है कि उत्तर कोरिया पे सबसे ज्यादा हथियार है और कहीं ना कहीं चाइना अगर उसकी मदद करता है बुरे वक्त में तो कल को चाइना को बड़ा फायदा उत्तर कोरिया से हो सकता है दोस्तों। क्या मानते हैं आप लोग, क्या यही सोच है उसकी? हायाना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन दोस्तों दीपावली की आज सबको बहुत बहुत
बहुत शुभकामनाएं। बात करें अगली खबर की, तो इथियोपिया में आपातकाल लगा दिया गया है दोस्तों। राजधानी की तरफ से बढ़ रहे विद्रोही, सरकार ने कहा रक्षा के लिए तैयार रहे नागरिक। दरअसल इथियोपिया के ने मंगलवार को आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी और अदिस अबाबा में अधिकारियों ने नागरिकों को राजधानी की रक्षा के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि टाइग्रे के उत्तरी क्षेत्र के लड़ाकों ने शहर की ओर आने की धमकी दी थी। ये विद्रोही संगठन इथियोपिया के दो प्रमुख शहरों पर कब्जा कर चुका है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर दुनिया ने माना मेड इन इंडिया का लोहा। कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को WHO ने दे दी है मंजूरी। जी हां दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर है भारत के लिए और मोदी जी की नीति के लिए भी। बता दें, दिवाली से पहले एक बड़ी अच्छी खबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह ने बायोटेक यानी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तकनीकी समूह की ओर से यह सिफारिश सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर की बात करें, जहाँ अमेरिका में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण का रास्ता हुआ साफ। CDC ने Pfizer की वैक्सीन को दे दी है अंतिम मंजूरी। बता दें, अमेरिका में अब बहुत जल्द 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को Pfizer और BioNTech की कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो जाएगा। दरअसल अमेरिका में Pfizer और BioNTech की 5 से 11 साल के बच्चों की वैक्सीन को अंतिम मंजूरी प्राप्त हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर कल की बात करें तो 12 लाख दिए से जगमग हुई राम की नगरी अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, बनाया गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी कल 12 लाख दिए से सजाई गई दोस्तों, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 12 लाख दियो में राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं और दियो की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी इस बार पहुंची। यानी कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है दोस्तों। और इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा और झांकियां निकाल कर की गई। डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने अयोध्या में भगवान राम जी की शोभा यात्रा को रवाना किया, तो उधर कार्यक्रम स्थल पर भगवान राम और माता जानकी हेलीकॉप्टर से पहुंचे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, राम और सीता जी की आरती करके भगवान का राज तिलक किया। इसीलिए दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और कितने भाई बहन है जो आज दिवाली मनाने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिए जलाने वाले हैं दोस्तों, वो भी मिट्टी के दिए कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां होली तक बढ़ाई गई फ्री राशन योजना। गेहूं चावल के साथ तेल और दाल भी देगी अब योगी सरकार। जी हां दोस्तों, दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या पहुंचे CM योगी ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना काल में शुरू हुई फ्री राशन योजना को होली तक बढ़ा दिया गया है। CM योगी के इस फैसले से यूपी के 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला है। CM योगी ने फ्री राशन योजना के तहत गेहूं चावल के अलावा दाल तेल और नमक भी देने का फैसला किया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव समारोह में भाग लेने पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना काल में शुरू की गई PMJKY मुफ्त राशन योजना को होली तक बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 15 करोड़ लोगों को हर महीने मिलेगा। साथ ही CM योगी ने कहा कि फ्री राशन योजना में मिलने वाला गेहूं और चावल के साथ साथ अब दाल तेल और नमक भी बांटा जाएगा। जी हां दोस्तों, दिवाली पर CM योगी आदित्यनाथ जी की इस घोषणा से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है दोस्तों। क्या आप लोग भी उत्तर प्रदेश के वासी हैं? जो है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस बार किसकी सरकार लगता है आपको बनेगी, बताना मत भूलिएगा चुनाव के बाद। देखते हैं क्या कहती है इस पर भारत की जनता। जी हां दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1990 में जय श्री राम बोलना होता था अपराध और राम भक्तों पर चल जाती थी गोलियां। जी हां दोस्तों, बता दें योगी जी ने कहा है कि 1990 में जय श्री राम बोलना अपराध होता था, उस दौरान राम भक्तों पर गोलियां चला जी जाती थी, लेकिन आज फायरिंग का आदेश देने वाले वे लोग झुक गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली कार में सेवा में गोली नहीं चलेगी, बल्कि वे लोग भी राम भक्त की लाइन में लगे दिखाई देंगे। बड़ी बात कह दिए दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने। क्या कहना चाहेंगे आप लोग ऐसे में बताइएगा जरूर। कितने भाई बहन मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में माफियाओं का खेल सच में खत्म हो गया है दोस्तों? माफिया गिरी सच में खत्म हो गई है, बताना मत भूलिएगा जिन जिनको लगता है, और जिनको नहीं लगता वो कारण अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूपी के मंत्री बोले कि धर्म परिवर्तन
परिवर्तन भी कर सकते हैं अखिलेश यादव। ISI कर रहा है इनको फंडिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सभा प्रमुख को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण प्राप्त है। जी हां दोस्तों, मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा हो सकता है कि उन्हें पड़ोसी देश की इंटेल सर्विसेज इंटेलिजेंस से भी वित्तीय सहायता मिल रही हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब इस्लामी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गए हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर मिथिलांचल के शेर साबित हुए संजय झा। जी हां दोस्तों, JDU के उपचुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाली टीम पर गौर से नजर डालेंगे तो उसका जवाब बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के रूप में सामने आती है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर नई दिल्ली से सहरसा, दरभंगा और बरौनी के लिए शुरू होगी कई छठ स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, आपको हमने लिस्ट दिखा दी है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। आगामी पूजा त्योहार के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए नई दिल्ली दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से पूर्व मध्य रेल के सहरसा, दरभंगा, बरौनी और अन्य स्टेशनों के लिए छठ स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। दोस्तों बाकी आप लिस्ट देख ही पा रहे होंगे, 12 ट्रेनों की ये लिस्ट है दोस्तों, जो स्पेशल में चलने वाली। इनके डिब्बे भी अधिक मात्रा में जोड़ दिए गए हैं दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके। ऐसे में कितने भाई बहन छठ पूजा पर अपने गाँव जाने वाले हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, जो लोग भी छठ पूजा मनाते हैं। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और आज बड़ी दिवाली, और बड़ी दिवाली के अवसर पर आप सभी को हमारी टीम की ओर से खुशहाली की दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और इस दिवाली अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और पॉल्यूशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली।